जय पीरां दी दोस्तों, अज दी वीडियो विच भी असी तुहानू एक बहुत ही कम दी गल दसांगे। सो इस वीडियो नू पूरे गौर ते बड़े ध्यान दे नाल सुनियो। सतसंगत जी, एक बार एक बादशाह ने अपने लड़के नू किसे दरवेश दे कोल दीन दुनिया दी तालीम लेन वास्ते भेजिया। लड़का हर रोज़ उस दरवेश दे कोल दीन दी तालीम लेन जांदा सी। एक दिन वह दरवेश ने उस लड़के दे बेवजह ही थप्पड़ मार दिता। वो लड़का सारा दिन यही सोचता रहा कि मेरे मुर्शद ने मेरे बेवजह थप्पड़ क्यों मारिया, जदों कि मैं कोई गलती भी नहीं की। लड़का घर भी नहीं सी दस सकता क्योंकि वो फकीर उहदा मुर्शद सी, बेवजह तां कोई नहीं मारदा। चलो लड़का पहलां दी तरह तालीम लैण वास्ते आउंदा रहा, पर दिल विच याद रखिया समा आउण ते उस लड़के दी तालीम सी ओ पूरी हो गई। तालीम पूरी होण ते ओ लड़का अपने मुर्शद कोलों आग्या लै के वापस अपने घर नूं आ गया। ओ थप्पड़ वाली गल ओ भुल्लिया नहीं, ओनू दिल दे विच याद रखिया। हौली हौली समा गुजरदा रहा। समय दे नाल उस लड़के दे पिता जाने के उस शहर दे बादशाह दी मौत हो गई ते उस राज दा अगला बादशाह उही लड़का बनया जिहदे उस फकीर ने थप्पड़ मारिया सी। जिस वक्त वह लड़का बादशाह बनया ते उसने बादशाह बनते सार ही अपने सिपाहियां नूं हुक्म दे दिता कि जाओ उस फकीर नूं गिरफ्तार करके लियाओ जिस दे कोल मैं दीन दी तालीम लैण जांदा सी, जिन्हें मेरे बेवजह ही थप्पड़ मारिया सी। सिपाहियां ने अपने बादशाह दा हुक्म सुन के उस वेले वह महलां विचों बाहर आए ते उस दरवेश दे कोल पहुँच गए ते उन्हूं बिना कुछ दस्सिया पुछया ही उन्हूं बंदी बना के उस लड़के दे सामने उस बादशाह दे सामने लै आए। जिस वक्त वह दरवेश उस लड़के दे सामने आया तां वह लड़का कहण लगा, फकीरा हुण दस मेरे बेवजह थप्पड़ क्यों मारिया सी, मैं तां कोई गलती भी नहीं सी कीती। उस बादशाह दी उस लड़के दी ये गल सुन के वह फकीर हसन लग पिया, तैनू जवाब चाहिदा है तां सुन फिर, तेरा कोई कसूर नहीं सी ते ना ही तू उस वक्त कोई गलती कीती सी। मैनू पता सी कि एक दिन तू बादशाह जरूर बनेगा, मैं इसलिए तैनू थप्पड़ मारिया सी कि किते तू भी किसी बेगुनाह नू सजा ना दे देवे, जिमें तू बेगुनाह होण ते मेरी सजा जिहड़ा मैं तैनू थप्पड़ मारिया वह नहीं भुल सकिया, तां तेरी दित्ती सजा नू कोई बेकसूर किवें भुल सकता है। तू वड्डा बादशाह बन गया है, तू बदला भी लै सकदा है, पर कोई कोई गरीब किवें बदला लै सकता है। इसलिए यह सज़ा का फैसला क्यामत दे दिन तक चलिया जाएगा। जे तू किसी गरीब नू बेगुनाह नू सज़ा दित्ती तां तेरी सज़ा उस खुदा की कचहरी दे विच तय होवेगी। इसलिए मैं तैनू थप्पड़ मारिया सी कि तू फैसला करन समय बेगुनाह नू सज़ा ना मिले, ये फैसला तू लै सकें। ये सुन के वह लड़का जिहड़ा बादशाह बन चुकिया सी अपने मुर्शद दे कदमां दे विच डिग पिया ते माफिया मंगन लग पिया। सतसंगत जी, इस कहानी दे विच बहुत बड़ा राज है कि सानू कदे भी किसी अपने तो गरीब दीन दुखी कमजोर ते किसी भी तरह का कोई तशज्जुद नहीं करना चाहिदा, किसी नू कोई सज़ा नहीं देनी चाहिदी, क्योंकि जे वो गरीब साढ़े तो बदला नहीं लै सकता तां साडी सज़ा फिर उस खुदा की कचहरी विच मुकर्रर हुंदी है। इंसान इंसान नाल करे तां वह जरिया जा सकता है, पर जेकर परमात्मा इंसान नाल करे फिर वह जर नहीं हुंदा, वह सह नहीं हुंदा। इस करके अपनी जिंदगी दे विच सदा ही चंगे काम करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का दिल ना तोड़ो, किसी के नाल कोई वादा ना करो, नीमे रह के ही अपनी जिंदगी नूं गुजारो, क्योंकि जदों झक्खड़ नेरियां आउंदियां हन तां जिहड़े दरख्त झुक जाते हैं वह खड़े रह जाते हैं, तो जिहड़े तणके खड़े रहिंदे हन वह सदा ही डिग पैंदे हन। सो जीवन दे विच हलीमी प्यार इज्जत लियाना बहुत ज़्यादा जरूरी आ, तां जो खुदा दी कचहरी विच साडे ते रहम कीता जा सके।
सो इस कहानी ते गौर जरूर करियो, तुहानू कई सिक्ख्या मिलूगी। सो थोड़ा गुरु भी थोड़िया सारिया दी समरथा पूरियां करे।